गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। एक दिवसीय उज्जैन दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन खोलने के संबंध में बड़ा बयान दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के कम होते मामलों के बाद अब 1 जून से जिलों को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में अब कोरोना पूरी तरह से काबू में आ गया है और अब जून से प्रदेश को अनलॉक करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। 1 जून से जिलों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। उज्जैन में कोरोना समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। 31 मई तक सख्ती से कोरोना कर्फ्यू का पालन कर गांव से लेकर शहरों को कोरोना मुक्त बनाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अनलॉक करने की प्रक्रिया वैज्ञानिक तरीके से की जाएगी और अगर उसके बाद कोरोना के केस सामने आए तो वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर कोरोना को काबू में किया जाएगा। सभी भी है और ये काबू में इसलिए हुआ है कि हमने कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है। कोई ये ना सोचे कि अब कोरोना खत्म हो रहा है। ये गलती हम में से कोई ना करे। कोरोना वायरस है और इसलिए इसको पूरी तरह से काबू में करना है तो 31 मई तक का टारगेट हम लें। 31 मई का टारगेट हम लें क्या हर जिले में हमारे संभाग में हम 2-4 पॉजिटिव केस बचे तो बचे, नहीं तो बचने नहीं देंगे, जीरो पे लेके आएंगे। हम सबका टारगेट होना चाहिए। टारगेट केवल जिलों का नहीं, ये टारगेट हर गांव का होना चाहिए कि मेरे गांव में कोरोना नहीं है, मेरा गांव कोरोना मुक्त। मेरे गांव में 1-2-4 प्रकरण है पॉजिटिव, उनको मैं खत्म करूंगा, वो प्रकरण भी मेरे यहां नहीं रहेंगे। जीरो कोरोना के पेशेंट हमको अपने गांव में करना है, अपने वार्ड में करना है। कोरोना मुक्त गांव, गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तय करे। मेरा गांव कोरोना मुक्त, शहर में मेरा वार्ड कोरोना मुक्त, ये हमको करना पड़ेगा। और 31 से आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि जून में हमको चीजें खोलनी शुरू करनी है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे खेती बाड़ी बाकी चीजें कई काम शुरू करना है, आखिर दुनिया भी तो हमको चलानी है। इसलिए आज उज्जैन संभाग के सब जिले एक संकल्प करें कि 31 मई तक हम जी जान एक करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और जनता के सहयोग से अनुशासित आचरण करते हुए वो सारे उपायों का अवलंबन करेंगे कि हम कोरोना को लगभग जीरो कर देंगे। इक्का दुक्का आ सकते हैं केस, अगर वो आए तो हम बाद में उनको कंट्रोल कर लेंगे। जब हम अनलॉक करेंगे तो वो भी वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, लेकिन उस समय अगर कोई प्रकरण आया तो उसके बाद भी मैं बाद में चर्चा करूंगा। कोरोना संक्रमण रोकने का व्यवहार जनता को करना पड़ेगा। एकदम निकल पड़े तो फिर बढ़ जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता उनको। लेकिन अगर अनुशासित रह के हम निकले तो जहां 2-4 आएंगे हम तुरंत माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना के उनको वहीं दबोचेंगे, बढ़ने नहीं देंगे और सामान्य जीवन भी अपना चलता रहेगा और कोरोना को कंट्रोल करने का काम भी हमारा चलता रहेगा। इसलिए नंबर एक मेरा निवेदन है, आप सब संकल्प कीजिए। फिर मैं कह रहा हूं, गांव का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, बाढ़ का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, ब्लॉक का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और हमारे जिले का क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम कि मेरा जिला जीरो हो जाएगा कोरोना संक्रमण के मामले में, और इसलिए 31 तक। खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।